ग्रीन हाउस गैस याद करने का हम लोग ट्रिक देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा होती है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, उसके बाद CFC, उसके बाद N2O। तो यहाँ CO2 को मैं अगर SO2 लिखूँ, CO2 लिखूँ, तो CO2 को आपको फीलिंग आ जाएगी कॉर्न। कैसी फीलिंग आ जाएगी? कॉर्न की फीलिंग आ जाएगी, कॉर्न, CO कॉर्न, ठीक है, कॉर्न। CH मीथेन मतलब CH4, CH4 मतलब चाहे, कौन चाहे, कफ एंड न्यूमोनिया, कौन चाहे कफ एंड न्यूमोनिया। ट्रिक याद हुई क्या आपको? कौन चाहे कफ एंड न्यूमोनिया, ये कैसे हैं? आपको लेफ्ट टू राइट जाना है, हायर परसेंटेज टू लोअर परसेंटेज। कौन चाहे कफ एंड न्यूमोनिया, उसके अलावा अगर आपको इनकी परसेंटेज याद रखने हैं तो ऐसे याद रखेंगे परसेंटेज हम लोग, 6 + 14 = 20, ठीक है। अब CO2 मॉलिक्यूल कितने हैं? 3 मॉलिक्यूल है, तो 20 × 3 = 60। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, कौन चाहे कफ एंड निमोनिया, 6 × 14 = 20, 20 × 3 = 60। तो ये जो है यहाँ पर एक पॉसिबल क्वेश्चन बनता है ग्रीन हाउस गैस का, इस डायग्राम को लेबल करने का, इनका परसेंटेज याद रखने का, इनका कौन कितना ज़्यादा है और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो वो। और एक क्वेश्चन ये आता है कि एग्रीकल्चर से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है, एग्रीकल्चर से, तो एग्रीकल्चरल से निकलती है N2O, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास में ग्रीन हाउसेज गैसेज होती हैं जो यहाँ NCERT में नहीं दिए, पर उनके नाम अपने को याद होने चाहिए, ठीक है। तो वो है, एक तो होता है आपका SO2, भी एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है, मेंशन नहीं है लेकिन याद होना चाहिए। उसके अलावा वाटर वेपर भी है, उसके अलावा आपका O3 भी है, ये भी ग्रीन हाउसेस गैसें हैं, इनका नाम भी आप ये देखिए, NCERT के अलावा O3, CO, SO2 और एक एंड मैंने आपको बताया वाटर वेपर। तो इनके चारों के नाम भी आपको याद होने चाहिए साइड में, और उसके अलावा आपको मेन जो ये अपना है, ये चार्ट तो याद होने चाहिए, कौन चाहे कफ एंड निमोनिया, 6 × 14 = 20, 20 × 3 = 60। तो कैसी लगी ट्रिक?